अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर प्रोग्राम न्यूज नाइट। मैं हूं साइमा मिन्हास और मेरे साथ प्रोग्राम में तशरीफ रखते हैं जनाब राना कैसर साहब। तभी मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गरीब आदमी के लिए, काम आदमी के लिए कुछ न कुछ करती हुई हमें दिखाई दे रही है, जिसने बेघर अफराद के लिए पनागाहों का क्याम यकीनन एक बड़ा कदम है। पिशावर और लाहौर के बाद आज इस्लामाबाद में दो पनागाहें कायम की गई। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे कि सवाल ये है कि हुकूमत का ये इकदाम जो है ये कितनी अहमियत का हामिल है और इसके साथ साथ बेघर लोगों के मसाइल को हल करने में ये कितना मददगार होगा। दूसरा हमारा टॉपिक जिस पर हमने बात करनी है वो है IMF से मुज़ाकरात। मुल्क की मौशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए और मौशी भंवर से निकलने के लिए मौजूदा क़यादत कुछ न कुछ काम करती हुई, मुख्तलिफ ऑप्शन पर काम करती हुई हमें दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ दोस्त ममालिक से राबते में है, इसके साथ साथ IMF से भी मुकम्मल राबते में है, लेकिन हमारे अखबार हमें ये खबरें दे रहे हैं, हमें बता रही हैं कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF से कुछ की जानब से कुछ सख्त शराइत का सामना हो रहा है और वो शराइत क्या है इन पर हमने बात करनी है प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में। तीसरा हमारा टॉपिक हम बात करेंगे इस वक्त जो मुल्क की सियासत है उसकी, और मुल्क की सियासत में यकीनन हलचल है, खासतौर पर एहतसाब अदालत के फैसले और GI की रिपोर्ट्स के होश रुबा जो इंकशाफात हैं उनके बाद। कल वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी एक ट्वीट आया, उनका कहना था कि जाली अकाउंट्स के हवाले से GIT रिपोर्ट्स और इसके बाद पैनामा, इससे पहले पैनामा रिपोर्ट्स, ये बदउनवाने की दस्तावेजात हैं। इन दस्तावेजात पर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ कुछ ये बात भी होगी कि कुछ अनासिर ऐसे भी हैं जो इन इंकशाफात के बावजूद अपनी अपनी क़यादत का हमें दिफा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस बुनियाद पर वो दिफा कर रहे हैं इस पर हम बात करेंगे। राना साहब का तजिया तो लेंगे ही, लेकिन मौजूद की मुनासिबत से फोन पर होंगे हमारे साथ कुछ माहिरीन भी। प्रोग्राम के आखिर में होगा हमेशा की तरह मैसेज ऑफ द डे। बेघर अफराद के लिए पनागाहें, हुकूमत वक्त का अहसन इकदाम, आज इस्लामाबाद में दो पनागाहें। राना साहब, नाकिबीन तो हमें ये कहते हुए, ये शोर मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं या उनका ये शोर हम सुन रहे हैं कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। अगर हुकूमत कुछ नहीं कर रही है तो ये क्या है, पिशावर, पिशावर के बाद लाहौर, लाहौर के बाद इस्लामाबाद में दो पनागाहें। ये जो शेल्टर होम्स की बात हो रही है, हुकूमत की कोशिश ये है कि आम आदमी के साथ एसोसिएट किया जाए, एक गरीब आदमी के साथ जो नादार लोग हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक तरफ तो ये सिलसिला है और दूसरी तरफ हुकूमत ये भी साबित करना चाह रही है कि जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, वो हम अपने अगले आखिरी सेगमेंट में बात भी करेंगे, जिन्होंने बदनवानी की और जिन्होंने ये हालात पैदा किए कि आज एक आम आदमी जो है वो शेल्टरलेस है, वो गुर्बत में घिरा हुआ है, बीमारी का सामना कर रहा है, उसके पास तालीम नहीं है, क्यों रहने को चाहिए। ये जो पनागाहों की बात हो रही है कि देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले एक दो इससे पहले हो चुके हैं पिशावर और लाहौर में, क्यों हुआ कि पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ये होमलेसनेस है क्या। बिल्कुल सर, ये एक फिनोमिना है कि जिसको आप कह सकते हैं कि एक अर्बन होमलेसनेस है, एक रूरल होमलेसनेस है। अच्छा, चूंकि इस्लामाबाद, पिशावर और जी पिशावर, लाहौर और इस्लामाबाद में ये पनागाहें कायम की गई हैं। जब अर्बन सेंटर्स की हम बात करते हैं, खास तौर पे जो बड़े शहर हैं जैसे लाहौर है, कराची, क्वेटा, पिशावर एंड इस्लामाबाद, ये वो शहर, इनके अलावा भी जो बड़े शहर हैं, फॉर एग्जाम्पल मुल्तान है, लाहौर, गुजरांवाला, हैदराबाद, फैसलाबाद, ये ऐसे शहर हैं जहां पे लोग रोजगार की तलाश में मुजाफात से आते हैं, पेरिफेरल एरिया जो है वहां से आते हैं, गांव देहातों से आते हैं, और जब वो शहरों में आते हैं तो उनके पास वहां पे रहने का ठिकाना नहीं होता। इनको आप मुसाफर की कैटेगरी में रख सकते हैं कि जो लोग आते हैं, खासतौर पर अगर आप लाहौर में जाएं या बड़े शहरों में आप जाएं तो रात को आपको पता चलेगा शाम के बाद कि बहुत सारे लोग जो हैं या वो दरबारों में वहां पे रात गुजारते हैं, मस्जिदों में गुजारते हैं, रेलवे स्टेशन, लारी अड्डे जो है पुराने, जो वहां पे लाहौर में या दीगर यहां पर पिंडी में, वहां पे वो रात गुजारते हैं। और कई सब उस वक्त जब अभी वो रोजगार के हुसूल के लिए आते हैं और अभी कामयाब नहीं होते, अगर वो भी जाता है तो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो जो कमाते हैं वो अपने आमदोरफ्त में, अपने गांव, जहां से भी हुआ है वो खर्च कर दें। अच्छा, इसके साथ फिर एक तबका और भी है, वो लोग हैं कि जो ऑलरेडी शहरों के अंदर मौजूद हैं, जो किसी और जगह से नहीं आए, जिनका ताल्लुक कहीं और से नहीं है, वो जो द पीपल हु कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छा, अब वो कहां जाएं?
सर्दियों में तो ये सिचुएशन बहुत गंभीर हो जाती है कि खुले आसमान के नीचे सर्दियों में तो रहना बहुत मुश्किल। गर्मियों में अगर आप देखें तो आपके पार्क्स में भी ऐसे लोग नजर आएंगे कि जो रात गुजारते हैं, मुख्तलिफ शहरों में अगर आप देखें फुटपाथों पे आपको नजर आएंगे। अच्छा, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में जो है होमलेसनेस है, अमेरिका जैसा एक डेवलप्ड मुल्क है वहां पे भी होमलेसनेस है। और वो तो मैंने खुद विटनेस किया है, आई वॉज इन वॉशिंगटन, तो जब मैं सुबह उठा तो अपने होटल के कमरे से बाहर देखा तो देयर वाज अ पार्क, तो उस पार्क के अंदर मैंने देखा बेशुमार लोग जो होमलेस है वहां पे मौजूद सोए हुए और विद द सनराइज दे गेट अप ऑल्सो एंड दे मूव ऑन। अच्छा अच्छा, आपने मौसम की बात की है, सर्दियों के मौसम में यकीनन इन लोगों के लिए ज्यादा सख्त होता है, और लेकिन बेघर होना यही बहुत बड़ा मसला है। आमिर अली अहमद साहब, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, इस वक्त हमारे साथ फोन पर हैं। क्यों ना हम आज जो पनागाही इस्लामाबाद में कायम की गई है उसके हवाले से इनसे जाने, फिर आपसे मैं आगे इस पर तबसरा भी लूंगी। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज शेल्टर होम इस्लामाबाद में कायम किया आपने, बड़ी मेहनत की और प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज उसको इंस्पेक्ट भी किया, विजिट भी किया। हमारे नाजरीन के लिए ये बताइए कि इसमें कितने लोगों को अकोमोडेट करने की गुंजाइश है? ये जो शेल्टर होम बनाए गए हैं जिसमें आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी विजिट किया, ये उन्हीं की विजन थी और उसके तहत जब उन्होंने इंस्ट्रक्शन हमें दी कि हम उन लोगों के लिए जिनके पास रिहायश का बंदोबस्त नहीं है कोई बिल्डिंग खड़ी करें या कोई बिल्डिंग बनाए, तो हमने ये दो शुरू किए हैं जी, एक तरलई में ठीक, और जिसकी भी अंदर गुंजाइश जो है वो तकरीबन 150 लोगों के लिए है। अच्छा, और दूसरा जी, और दूसरी पनागाह जो है वो बनाई गई है सब्जी मंडी के एरिया में जिसे पीर बधाई मोड़ कहते हैं ठीक, उसमें एक पुराना लंगर खाना था उसको कन्वर्ट किया गया है और उसमें स्ट्रक्चर जो है आपके पास अवेलेबल थी जी। और ये कितने लोगों के लिए है सब्जी मंडी पीर बधाई में जो आपने कहा है कि पनागाह कायम की गई है? जी वहाँ उसकी उसके अंदर भी गुंजाइश जो है वो ओवर 200 है ठीक। अच्छा अमित साहब, ये बताइए कि ये दो पनागाहें हैं तो 150 एक में और दूसरे में ओवर 200 जो तकरीबन 350-400 लोगों को अकोमोडेट करने की गुंजाइश, क्या क्राइटेरिया होगा कि कौन लोग होंगे जो यहाँ पे आके ठहर सकते हैं? देखिए बहुत सारे लोग हैं, अच्छा आपने एक अच्छा इंतजाम भी किया, तो यहाँ पे तो कुछ लोग ऐसे जिनको जरूरत नहीं भी होगी वो कहेंगे चले वहां पे ठहर जाते हैं, वो जो लारी अड्डे पे जो होटल्स हैं उनकी बजाय चले जाए, तो क्या क्राइटेरिया होगा कि बाकी नादार और जरूरतमंद लोग यहाँ पे आए? देखिए सबसे पहला तो जो इसका है कि इसका मकसद यही है कि ये उन लोगों के लिए हो, मजदूर हैं जो सड़कों पे लोग सो रहे हैं, जो फुटपाथों पे पड़े हुए हैं, उनके लिए बंदोबस्त किया जाए। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि जो बधाई पे है अगर कोई आता है, जो आदमी यहाँ आता है जो आएगा उसका नाम उसकी डिटेल लिखी जाती है और दरवाजे इसके खुले हैं। सब्जी मंडी का मैं आपको बताता चलूं कि उसकी लोकेशन जैसे आपने भी जिक्र किया ऐसी सेंट्रल है कि वहां ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन थी, लोग आ रहे थे, उसमें खाना भी सर्व हो रहा था अलहमदुल्ला और लोग रह भी रहे थे, 60-70 बंदा वहां जो है वो यू नो एवरी अदर डे आपको वहां रात को सोता हुआ पाया जाता था ठीक है। तो उसमें उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी को वापस मोड़ दिया जाए किसी भी वजह से, जो आ रहा है जो जो एक दफा वहां आ गया है तो ठीक है, वो जरूर कर भी है जो वहां आया है और ये फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे प्रोवाइड करें ठीक उन सहूलतों से। अच्छा, इसके स्केल को मजीद बढ़ाने का क्या प्लान है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन का? ये जो दो जगह है हमारे नजदीक के दोनों साइड ऑफ इस्लामाबाद कवर कर देती है, तरनई का जो है सिर्फ इस्लामाबाद रूरल इस्लामाबाद है उसको कवर कर लेता है और सब्जी मंडी का एरिया जो है वो अर्बन सेंटर को कैटर कर देता है, और गुंजाइश उस बिल्डिंग में भी है फॉर फर्दर एक्सटेंशन और इसमें भी कैपेसिटी है फॉर फर्दर एक्सटेंशन। हम देखते हैं जब क्या उसकी रिस्पांस आती है, कैसे ये चलता है, तो फिर उसी तरह इस पर इजाफा किया जाए। टेम्परेरी बेसिस पे इसको परमानेंट करने का भी इरादा है? सॉरी जी आवाज आपकी ड्रॉप कर, मैंने कहा कि आज ये टेम्परेरी शेल्टर होम्स जो कायम किए गए हैं इनको परमानेंट बेसिस पे भी कायम करने का इरादा है? टेम्परेरी मैं सॉरी मैं ये क्लैरिफाई करूँ, टेम्परेरी शेल्टर होम नहीं है, इस्लामाबाद में जो दो दो शेल्टर होम बनाए गए वो कम्प्लीट हो गए। ओके ओके, ये जो पिछले लास्ट 2.5 वीक ये बिल्डिंग्स को कन्वर्ट किया गया ऑलरेडी मौजूद ठीक है जी जी, और ये कम्प्लीट
सब्जी मंडी में कुछ जो है वो नई इरेक्शन भी हुई है, अबैंडन बिल्डिंग थी, अबैंडन जगह पड़ी हुई थी जो जाया हो रही थी या मिस यूज हो रही थी। ठीक है, जैसे ये तरलई का जो एरिया है ये स्टोर रूम बनाए हुए थे, ठीक, और इनको खाली किया गया और इनको कन्वर्ट किया। अच्छा, ये भी बताइए कि यहाँ पे जहर जो लोग आएंगे, जो गरीब लोग हैं, वो सर्दी का मौसम के जो असरात वो भी होते हैं सेहत के ऊपर लिहाफ, और इसके साथ कोई मेडिकल फैसिलिटी भी इन जगहों पे मौजूद होगी? जी, इसके अंदर ये भी प्रोविजन रखी है कि बेसिक फर्स्ट एड बेसिक जो है वो इन्हें प्रोवाइड की जाए, और इसके साथ एम्बुलेंसेज भी अवेलेबल। ठीक 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 जी, तो जो दोनों साइड्स पे अवेलेबल होंगी। लोगों के खाने पीने का क्या यहाँ पर सिलसिला है? देखिए, लोगों के खाने के लिए तरलई में जैसे एक तंजीम है रिस्क के नाम से, वो काम करती है सलाही तंजीम, उन्होंने हमारे साथ तावन किया है इसमें, और वो जो चीजें बना जाए लाहौर में भी बनाई गई है, वहां भी वही प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी तरह जो सब्जी मंडी में है वहीं की जो लोकल कम्युनिटी है वो इसमें हेल्प आउट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई ऐसी पाबंदी भी होगी कि जो शख्स एक दफा वहां पे आया तो वो दोबारा नहीं आ सकता, और अगर आता है तो कितने दिन तक वो रेगुलर वहां पे काम कर सकता है? देखिए, जैसे रजिस्ट्रेशन का सिस्टम हमने यहाँ भी जो बनाया, ऑफिस बनाया गया रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें लॉग होता रहेगा कि कौन आया है, कब रहा है। जाहिर है सिक्योरिटी की चीजें जो है वो भी हमने जहन में रखी हुई है, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है और उससे डेटा भी जमा होता है कि कौन आया है, कितने दिन ठहरा है, कब आया है, तो ये डिटेल्स इंशाल्लाह। कदम पर आप सबको मुबारकबाद, और हमारी नई ख्वाहिशात आप लोगों के साथ चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अली अहमद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। राना साहब, सब्जी मंडी पीर बधाई और तरनई 150 वो कह रहे हैं कि तरनई में और 200 से ज्यादा सब्जी मंडी पीर बधाई में। आप वाली बात जो मेरे भी जहन में बार बार आ रही है, मेरिट को फिर यकीनी बनाना होगा कि वही लोग इससे फायदा उठाएं जो वाकई हकदार है और नादार लोग हैं जिनको जरूरत है। ये नहीं कि जो हैबिचुअल लोग हैं और वो रोजाना एक आसानी के लिए वहां पे चला जाया करेंगे, ठीक है, वहां पे जाहिर है वो जैसे या फिर इंतजामिया के अपने रिश्तेदार अपने कोई लगा, तो ये ऐसा है कि वहां पे एक चेक एंड बैलेंस होगा बाकायदा, उसको मॉनिटर किया जाएगा कौन है। लेकिन बात यह है कि ये एक बहुत अहम स्टेप है। देखिए, अभी शुरुआत है, अब छोटे छोटे ये शेल्टर होम्स बन रहे हैं, कहीं 150, कहीं 200, कहीं 300 लोग होंगे, और वो बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा कि रिस्पांस देखकर इसको बड़ा स्केल को बढ़ाया भी जाएगा, और ये बहुत जरूरी है। सिर्फ अभी तो यहाँ पे देखिए, ये तीन शहरों की बात हम कर रहे हैं, जैसे मैंने शहरों के नाम लिए, फैसलाबाद जो इंडस्ट्रियल सिटीज है वहां पे फैक्ट्री एरियाज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, तो लोग कहाँ कहाँ से आते हैं बेचारे, उनके पास इतनी मेहनत मजदूरी करके उजरत इतनी नहीं मिलती कि वो वापस अपने घरों में जाए और सुबह फिर वापस आए, तो ऐसा मुश्किल हो जाता है। अच्छा मिलेगा। एक बड़ी तादाद में लोग हैं, और साथ आप देखिए कि सिर्फ ये नहीं कि आपको एक ठहरने की एक सराय है, आपको जगह भी मिल रही है, अच्छा तरह की सहूलियात भी मिल रही है उन लोगों के लिए जो खासतौर पर मजदूर तबका है, और जो बिल्कुल बेचारे गरीब लोग हैं जो ना जिनके पास नौकरी है ना रोजगार है, और उनके लिए भी ऐसी जगह होनी चाहिए। और ये देखिए, रियासत का ये एक बुनियादी जो फर्ज है कि अपने शहरियों को शेल्टर फराहम करना, सेहत की सहूलत देना और उनकी बुनियादी जरूरियात पूरी करना। राना साहब, आपसे पहले इस फर्ज पर, ये जो आपने कहा है कि बुनियादी फर्ज है, जो गुज़श्ता हुकूमतें गुजरी हैं जिन्होंने बारियां लगाई हैं, क्या उनको आप इस फर्ज से आगाह नहीं थे? उनको अपने मोहल्लात बनाने से फुर्सत होती तो गरीब की झोंपड़ी का सोचते, उनके नजदीक तो झोंपड़ी की कोई हैसियत ही नहीं है कि चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड, और वो तो अपने आप को जो कहते हैं जिले इलाही के अदवार थे वहाँ पे। इन बेघर लोगों को शहाना तर्ज हयात नहीं चाहिए, इनके लिए तो एक कमरा, एक छत, एक चाहिए, एक बिस्तर चाहिए, उनको पानी पीने के लिए चाहिए, दो वक्त की रोटी चाहिए, ये इनकी जिंदगी का एक रिक्वायरमेंट है। लेकिन क्यों मिलती? जिस मुल्क में 30,000 अरब रुपए का जिसके ऊपर कर्जा हो जाए, और जहाँ पे बहुत सारे आप इंकशाफात हो रहे हैं अगले टॉपिक में हम डिस्कस भी करेंगे, तो अब आप देखिए कि वहाँ पे गरीब को कौन पूछता है। एक ऐसी होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस की सूरत हाल इस मुल्क में मौजूद है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 20 मिलियन पीपल आर होमलेस।
अच्छा, इनमें कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनके पास अपना जाती घर नहीं, एक तो किराए पे रहते हैं, लेकिन ज्यादातर वो लोग हैं जिनके पास तो कुछ भी नहीं है, टेंट्स भी नहीं, आप कच्ची आबादियां क्यों आबाद हो जाती है? और किराया भी आप देखिए कि जब हम बात करते हैं इंक्रोचमेंट की, वो क्यों होती है कि जो बड़ा आदमी है, जो माफिया, वो तो कर ही रहा है, लेकिन इस्तेमाल किसको करते हैं? गरीब आदमी को, जिसने अपनी कहीं झोंपड़ी लगा ली, उसको चार पैसे आ गए तो चार ईंटें इकट्ठी करके उसने अपना एक जगह बना लिया, सर छुपाने के लिए, लेकिन वो जिम्मेदारी तो बुनियादी तौर पर रियासत की है। तो जो इमरान खान साहब, देखिए आपने कहा तनकीद करने, देखिए डिट्रैक्टर्स एंड अपोनेंट्स उनका तो काम ही ये है कि अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे उसमें कीड़े निकालेंगे। राना साहब देखिए ना, बहुत हालात मुख्तलिफ हैं, उनके लिए ये बहुत अचंभे की बात है कि एक शख्स है, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, उसने लाहौर में किसी को देख लिया सर्दी के मौसम में बाहर बैठे हुए, तो उसने सोच लिया कि मैं अब इन लोगों के लिए, ऐसे कितने ही लोग हैं हमारे मुल्क में जो इस तरह से रातें गुजारते हैं, और सर्दियों का मौसम आने से पहले पहले उस शख्स ने एफर्ट की, अपनी टीम को भी एक्टिव किया और पनागाहें बनाने का सिलसिला शुरू। रियलाइजेशन की बात है, पहले वाले जो हजरात, अभी कई लोग कहते थे, अभी उनके वायरल भी हुए हुए मैसेजेस जो साबिक हुक्मरान हैं 10 साल से इस मुल्क में, जो मुख्तलिफ सूबों में भी, और उनके लिए ये कदम भी एक मुर्गी और अंडे जैसा है। मेरा दिल कांप जाता है अगर मैं देखता हूँ किसी गरीब के हक पर डाका पड़ा, इतने डाके मारे गरीबों के हकूक पर, तो दिल अभी भी कांप रहा है कि गरीब आदमी के लिए यहाँ पे ना रोजगार है, ना उसके लिए सेहत की सहूलत, में जो पहले आपसे कह रहा हूँ, और मईशत का वो हाल हो चुका, गैस आजकल वैसे नापेद है, बहुत सारे शहरों में तो गैस मिल ही नहीं रही। अच्छा, कोई और डाका मारे तो फिर शायद दिल ज्यादा कांपता हो कि हमारा हक है, हम नहीं डाके मारे, मेरा ख्याल तो यही है। अच्छा राना साहब, खुशाइन बात, वजीर आजम साहब ने खुद इफ्तिताह किया कि जो इस्लामाबाद में दो पनागाहों के हवाले से हमने तफसीलन अपने व्यूअर्स को बताया, वजीर आजम ने बावर्ची खाने, वहाँ डिस्पेंसरी, हाइजीन का ख्याल रखना इम्पोर्टेंट है। दौरा किया, देखिए हाई, जब तक का मकसद ये है कि अगर आप ऐसी जगह प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके अंदर हाइजीन का भी आपको ख्याल रखना है, कि अगर आप जैसे कह रहे हैं कि एम्बुलेंस की अभी चीफ मिनिस्टर ने बताया कि मौजूद है, तो ये हम इसको आइडियल सिचुएशन तो नहीं कह सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक आपने टारगेट सेट किया, एक गोल आपने कहा कि ये हमने अचीव करना है, इट इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स दैट। आइडियल सिचुएशन हम क्यों नहीं, देखिए एकदम नहीं हो सकता, अभी आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आगाज हो गया और इस आगाज को वेलकम करना चाहिए, और इट्स अ गुड बिगनिंग। देखिए आम आदमी, जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे याद है कि मैंने जब ये हुकूमत आई पीटीआई की, तो मैंने आपसे कहा था उस वक्त कि अवाम क्या चाहेंगे कि हुकूमत अपने आप को उनके साथ एसोसिएट करे, उनके जो बुनियादी मसाइल हैं, ये तो एक है इशू है ना, होमलेसनेस का या शेल्टर नहीं है लोगों के पास, इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज हैं, प्राइसेस को कंट्रोल करना, मार्केट्स में आप जाके देखें कहीं आपको नजर नहीं आ रही, अगर नजर आ भी रही तो पूछने वाला कोई नहीं है कि इसको फॉलो किया जा रहा है। रियासत हो रही है, तो अवाम के साथ एसोसिएट करें अपने आप। हाँ जी, और एक शानदार आगाज फलाही रियासत का हम देख रहे हैं आज, इसकी एक जिंदा मिसाल इस्लामाबाद में दो पनागाहों का आज इफ्तिताह किया गया, अब दो पनागाहें मजीद कायम कर दी गई, इससे पहले पिशावर और लाहौर में भी ये सिलसिला इसी तरह से रहा, इससे पहले जो हुक्मरान थे वो दूरी से थे अवाम से, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक नए दौर का आगाज है, और दुआ है कि ये आगाज जो अच्छा हुआ है ये आगे भी इसी तरह से चलता रहे, और जो मजीद दूरियां हैं हुक्मरानों और आम आदमी के दरमियान ये खत्म हो जाए, और आम आदमी के मसाइल को भी इसी तरह समझा जाए, जाना जाए, जिस तरह बड़े लोगों के मसाइल को समझा और जाना गया है अब तक हमारे मुल्क में। एक ब्रेक, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिए।
over 10,000 4G towers across Pakistan. Wherever you are, we're already here and here. Zong 4G, a new dream. गुजरगाहें तहजीब की शाहराहें अगर खुशहाली की जद में आए तो जिंदगी मुंह मोड़ लेती है। आज सिर्फ 1000 क्यूबिक मीटर पानी रह गया हर पाकिस्तानी के हिस्से। 7 सालों में यानी 2025 में पाकिस्तान में खुशहाली शुरू हो जाएगी। जो सेफ लेवल है वो 120 दिन है। हमारे पास सिर्फ 30 दिन की पानी की स्टोरेज की कैपेसिटी। जिंदगी का तसलसल, हमारे आबी जखायर, इनकी तरक्की हम सब का कौमी फरीजा। आओ हम सब मिलकर ये जिम्मेदारी निभाएं, डैम बनाएं। प्रोग्राम में आपका एक बार फिर खैर मकदम। हमारा दूसरा टॉपिक राना साहब, आईएमएफ से मुजाकरात पर कुछ बात कर लेते हैं हम। जो खबरें अखबारात में आ रही हैं, हम पढ़ रहे हैं, वो तो जरा डरा से देने वाली हैं। कुछ सख्त शरात आईएमएफ की जानिब से कहा जा रहा है, यही हमें खबरें पढ़ने को मिल रही हैं कि की जा रही है। सख्त शरात क्या हुकूमत के लिए काबिल कबूल होंगी और क्या शरात है, जरा ये भी हमारे देखने वालों को बताइए। पहली बात तो यह कि सैमा, अगर हुकूमत ने ये कड़ी शरायत जो है, जो स्ट्रिंग्स हैं, अगर एक्सेप्ट करने होते तो फिर हमें सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना के पास जाने की जरूरत ना होती। फिर हमें डराया जा रहा है, स्ट्रेट अवे आईएमएफ के पास चले जाते कि जनाब ये है सूरत हाल, हमें बेल आउट पैकेज दे दीजिए। वो 8-10 अरब का जो आप ले आते और उसके साथ जो स्ट्रिंग्स अटैच होती वो आप पास ऑन करते आम आदमी तक, वो चले जाती, उसका बोझ आम आदमी पर पड़ता। प्रायोरिटी क्या थी कि प्रायोरिटी ऑप्शंस बेसिकली कि क्या आईएमएफ के पास जाएं या आईएमएफ के बगैर कोशिश करके देख लें कि हम ये जो इकोनॉमिक हमारा क्रंच है या सिचुएशन है इससे कैसे बाहर निकला जा सके। अब टू प्रोंग्ड स्ट्रेटजी, एक तरफ आपने एंगेज किया अपने फ्रेंड्स को जिनके ऊपर आप रिलाय करते हैं, और दूसरी तरफ आपने डोनर के पास चले गए जी। आईएमएफ के साथ भी आपने स्टाफ लेवल भी हुई है और डिफरेंट लेवल्स पे आपके डिस्कशंस होती रही है, टॉक्स हुई हैं। सऊदी अरेबिया ने आपको एक बड़ा बेल आउट पैकेज दिया, फ्री ऑयल, फ्री तो नहीं, डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल फैसिलिटी आपको मिल गई। यूएई की तरफ से अभी आप देखिए 3 अरब डॉलर का वो है। फिर चाइना से भी लॉन्ग टर्म के जो एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म भी और सीपैक के हवाले से भी है, एंड एक जो शॉर्ट टर्म जो आपको सहारा मिल गया। और इससे फायदा क्या हुआ, इससे व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि जो अब आईएमएफ के पास आप जा रहे हैं, जो एंगेजमेंट है ऑलरेडी, जाने से मुराद हमने अप्रोच कर लिया होगा ऑलरेडी, जनवरी में वक्त हमारे, हम एक स्ट्रांग फुटिंग पे हैं, नॉट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस। कि इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा इशू क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो हमने काफी हद तक उसको लार्जली उसकी, क्योंकि उन्होंने हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए डॉलर्स, जिससे आपको ये एक सहारा मिल गया। अच्छा, खबरें ये है राना साहब कि बिजली मजीद महंगी होगी। मैं इसी पे आ रहा हूँ कि जो स्ट्रिंग्स क्या है, जो अभी जो इतलात है हमारे पास वो ये है कि आईएमएफ ये चाहता है कि आपका जो बजट डेफिसिट है उसको कर्टेल किया जाए, बजट के खसारे को कर्टेल किया जाए बाई 4% to 5% ऑफ द जीडीपी। और वो कैसे होगा, और वो कह रहे हैं कि आइदर यू हैव टू कट योर डिफेंस बजट और डेवलपमेंट बजट, दिफाई और तरक्याती बजट दोनों में से, या आप डिफेंस बजट को कम करें या आप अपने तरक्याती बजट को कम करें। अच्छा, ये एक बड़ा कैच है इसमें। अच्छा, ये अभी थोड़ी देर में हम इस पे बात करते हैं, डिफेंस और ये तरक्याती बजट जो है, अगर इसको कम किया जाए तो हमारे लिए क्या एक सिचुएशन डेवलप हो सकती है पाकिस्तान। चलिए, ये हम डॉक्टर इशफाक हसन, माहिर मौशियात हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं, उनसे जान लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, कुछ खबरें अच्छी नहीं लग रही, जैसे आईएमएफ की तरफ से कुछ स्ट्रिंग्स अटैच किए जा रहे हैं कि जनाब अगर आपने हमारे पास आना है, हमसे बेल आउट पैकेज लेना है और मुजाकरात को आगे बढ़ाना है तो आपको प्रायर एक्शंस करने हैं,
उनमें एक तो ये जो प्राइमरी सरप्लस ऑन बजट डेफिसिट की बात हो रही है, फिर ये कि पावर टैरिफ जो उसको बाय 22% आपने उसको इंक्रीज करना होगा, और फिर आपने रेवेन्यू जो है आपका वो 4,500 अरब रुपए से ऊपर लेके जाना होगा। तो डू यू थिंक कि ये हमारे लिए काबिले कबूल होंगी, खास तौर पे जब वो कह रहे हैं कि उसको मेंटेन करने के लिए, बजट डेफिसिट को ठीक करने के लिए यू हैव टू कट योर डिफेंस बजट और योर डेवलपमेंटल बजट। आप एक चीज भूल गए, आज जो स्टेट बैंक ने जो पीआईबी ऑक्शन किया है 4 परसेंटेज पॉइंट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है। ठीक ठीक है ना, ठीक ठीक 4% से ज्यादा एक झटके में बढ़ा दिया गया। ठीक, और ये ऐसा ही है कि पैसे भी नहीं लिए मार्केट से और रेट भी बढ़ा दिया, यानी कि खाया पिया कुछ भी नहीं है, साहब ने गिलास फोड़ा पैसे ले लिया। ठीक, यही काम किया आज स्टेट बैंक ने। तो ये मेरे नजदीक की सब कुछ तैयारी है आईएमएफ में जाने की, ये प्रायर एक्शन का हिस्सा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज मैंने भी देखा है अखबार में, एक लोकल इंग्लिश डेली में गालिबन न्यूज में, तो वो है वैसे टेक्निकल मैं पब्लिक की जबान में, अगर ये सही है तो ये बड़ी चौंका देने वाली चीज है वैसे, अगर ये खबर उसकी सही है। डॉक्टर साहब, इसी तरह की खबरें पिछले दिनों और भी अखबार में आई हैं, उर्दू अखबार में भी, अंग्रेजी में भी। जी हाँ, तो ये फिर अगर बात सही है तो ये चौंका देने वाली चीज है, और वो क्यों चौंका देने वाली है अब मैं आपको बताता हूँ। देखें, हम कहते हैं ना बजट का खसारा, तो वो सिंपल होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। लेकिन जब प्राइमरी खसारा की बात हो, प्राइमरी डेफिसिट या प्राइमरी सरप्लस, तो उसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर नहीं होता है, रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। नॉन इंटरेस्ट जो है, नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट को निकाल देते हैं क्योंकि वो तो हमने अदायगी करनी है, डिफॉल्ट नहीं करना चाहेंगे। सही। उसके बाद जो बच गया हमारे पास, दो बड़े मेजर आइटम है, यानी सरप्लस में लाने के लिए आपका रेवेन्यू नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर से ज्यादा होना चाहिए, जब सरप्लस में आएगा। ठीक हो गया। तो नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर में दो आइटम बड़े रह गए हैं, एक है डेट सर्विस, सॉरी डिफेंस, दूसरा आपका डेवलपमेंट, दूसरा है डेवलपमेंट। तो अब आपके उसको सरप्लस में लाने का मतलब ये हुआ, और वो काफी ज्यादा सरप्लस में लाना है आईएमएफ के प्रोग्राम के आखिरी सालों में जाकर, वो बिल्कुल टूवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक, कंक्लूजन ऑफ प्रोग्राम में तकरीबन 3-4% के करीब सरप्लस होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि या आप डिफेंस को जीरो कर दें, अच्छा, या आप डेवलपमेंट को जीरो कर दें, तो इसमें कैच 22 और सिविलियन को लड़ाने की भी बातें होंगी। ठीक ठीक ठीक, ये तो मुमकिन है, ऐसा एक्शन पे लाके खड़ा कर देंगे ना कि आप सिविलियन कहेंगे देखिए फौज के बजट को नहीं कट किया जा रहा है, डेवलपमेंट को कट किया जा रहा है, और आप फौज को भी आप पैसे नहीं देंगे। एक ऐसी डॉक्टर कैच 22 बना दिया ना, ताकि एक तरफ आवाम जो है वो फौज से भी मुतनफर हो, और उधर से काटा जाए तो आप जो है हुकूमत से भी मुतनफर हो। डे वन से इसी चीज के लिए तो मना कर रहा हूँ, डे वन से, आपको पता है, आप गवाह है कि आई एम द ओनली वन कि पाकिस्तान शुड नॉट गो। अगर हमें सख्ती बर्दाश्त भी करने पड़े तो हम करेंगे, खुद करें, लेकिन ये काम आप करेंगे ये तबाही हो जाएगी, और स्टेट बैंक ने आज तबाही की तरफ पाकिस्तान को धकेल दिया है, यहां 90 की दहाई की तरफ जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के जरिए से मैं आपको बता रहा हूं कि ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि उनके अदारे के जो लोग क्या कर रहे हैं इस महीशत के साथ में। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आईएमएफ के पास जाए बगैर अगर लोकली हम रेवेन्यू भी अपना इंक्रीज कर ले, और चाहे पेट्रोलियम प्राइसेस जो है उसको बढ़ा के टैक्स करके और कुछ रेवेन्यू की तरफ भी आए, तो इज इट पॉसिबल कि हम ये आईएमएफ के वो जो एक कैच 22 हमारे लिए बन रही है उसे अवॉइड कर जाए? साहब, बहुत मरतबा ये बचा चुका हूँ, मेरे ख्याल में करोड़ों मरतबा मैं चैनल पे बता चुका हूँ कि इसके बगैर जिंदा रखा रहा जा सकता है। ठीक, लेकिन बात यह है कि हमारी कैफियत उस बच्चे की तरह हो गई है कि माँ उसको खिलौने की दुकान में ले गई है, उस दुकान में दाखिल होते ही उसने एक खिलौना पकड़ के खड़ा हो गया है, माँ उसे और खिलौने दिखा रही है, लेकिन कहते हैं कि लेना तो यही है, हमने भी इन उसका खिलौना पकड़ के खड़े हो गए, और ना हम राइट देख रहे हैं ना लेफ्ट देख रहे हैं, दुनिया जहाँ की चीजें जो है करने को हमने कोई काम नहीं किया। आप खुद सोचे हमने क्या इकदाम किए हैं अदर देन जस्ट वेटिंग एंड टेकिंग द कंट्री बैक टू द आईएमएफ।
क्या काम किया आपने? बिल्कुल सही, आप याद है कि मैं जब ये हुकूमत अभी भी आई थी तो मैंने एक अखबार को इंटरव्यू दिया, एक फॉरेन न्यूज एजेंसी को, जिसमें मैंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान का मसला ही है बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमें इम्पोर्ट को कंप्रेस करने की जरूरत है और हमें सजेशन के तौर पर मैंने कहा था कि अगर हम कुछ ऐसी चीजें हैं, मोबाइल फोन हैं, इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं, इसके अलावा भी चीजें हो सकती हैं, एक एक फूड आइटम की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कि 4-6-7 आइटम को ले लें और उसको इस साल के लिए बैंड कर दें। ये WTO में बिल्कुल परमिसेबल है कि अगर कोई मुल्क बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस का शिकार हो तो वो पाबंदी लगा सकता है अपने इम्पोर्ट पे, सिर्फ ये है कि वो डिस्क्रिमिनेशन ना करे, ठीक है, अगर पाबंदी है तो सबके साथ के लिए पाबंदी है, ये ना हो मुल्क से मंगा रहे हैं लेकिन दूसरे से पाबंदी का इतलाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो हम अगर हम $4-5 billion हम अगर इम्पोर्ट को कम करके कर सकते थे तो एक $4-5 billion सेव करने का मतलब है $4-5 billion आपने अर्न कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसके अलावा बहुत सारे इकदाम थे, आज तक देखें कि 5 महीने जा रहा है, हमने नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के बॉन्ड की बातें की थी, बहुत पहले से की जा रही थी, मैं थक गया हूं बोल बोल के, किसी एक तरफ भी उसके तरफ कोई एक्शन ही नहीं हुआ। इस्लामिक बॉन्ड है, यानी कि सुकूक है, यूरो बॉन्ड है, हमने किसी की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। दर्जन आइटम मैंने बनाकर दिए हुए हैं कि यार खुदा के वास्ते ये काम तो करो, लेकिन हमने बजट हम जिद पकड़ के बैठे हैं कि हमने करना ही नहीं है, हमने सिर्फ IMF के पास जाना है। और ऑप्शंस भी हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। डॉक्टर इश्फाक हसन साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और आपके तजिए का भी। इम्पोर्ट पर पाबंदी, बहुत सी और ऑप्शन बता रहे हैं जिन पर अमल किया जा सकता है, किस तरह से कंक्लूड करेंगे? कह रहे हैं कि अगर ये खबरें दुरुस्त हैं तो फिर ये तो वाकई काफी कड़ी शराइत है, तो पाकिस्तान के लिए किस तरह से काबिल कबूल हो सकती है? अ डॉलर सेव्ड इज अ डॉलर अर्न्ड, कि अगर आप इम्पोर्ट देखिए इस वक्त ये अगर कहे ना कि हम बिल्कुल इकोनॉमी हमारी ठीक रास्ते पे चल पड़ी और हम भंवर से उस टर्मोइल से निकले, नहीं, बहुत इकदाम करने हैं, जाने वालों ने वो कर छोड़ा हमारे साथ कि आने वालों के लिए इतनी मुश्किल है, देयर हैंड्स आर टाइड। डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारे मसाइल हैं, जाहिर है जो लोग हुकूमत में हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठे वो भी सर जोड़ कर बैठे होंगे, दे वुड बी डूइंग समथिंग, ये नहीं कि दे आर जस्ट नॉट डूइंग एनीथिंग, हाथ पांव मारे जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हालात इतने गंभीर हो चुके हैं इस मुल्क में इकोनॉमी के हवाले से कि अब अगर बिजली की कीमत बढ़ाते हैं तो आम आदमी जो है वो चीखे मारेगा कि गरीब आदमी क्या करे, अमीर का तो कोई मसला नहीं है, अमीर तो टैक्स भी शायद उतना पूरा नहीं दे रहा होगा, वो कहीं ना कहीं से FBR का साथ मिलके कुछ ना कुछ कर रहा होगा, तो गरीब आदमी बेचारा जिसकी हम बात कर रहे हैं शेल्टरलेस भी हैं, होमलेस भी हैं, तनख्वाहें भी कम हो रही है, अब तो सुना है कि शायद तनख्वाहें भी कम करनी पड़े, तो बहुत सारी मामलात हैं, तालीम की सेहत की सहूलत नहीं, सेहत की सहूलत नहीं, बहुत सारी चीजें, तो हुकूमत तो कोशिश कर रही है कि लोगों को किसी न किसी तरीके से उनकी बेहतरी के लिए इम्कान पैदा किए जाए, लेकिन हालात क्या है कि आपने देखना कि आपकी प्लेट में क्या पड़ा हुआ है, इफ द प्लेट इज एम्प्टी व्हाट वुड यू ईट, प्रॉब्लम ये हो रहा है। अब मसला ये है कि हमें अगर हमारा जो सर्कुलर डेट है वो भी है, हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है, लेकिन आना प्लेट को भरने के और भी तो बहुत से तरीके हैं। वो अब मुझे ये बताइए इन 3 महीनों में आप वो क्या करेंगे, चूल्हा जलाएंगे, गैस नहीं है, क्या करेंगे आप, पकाएंगे क्या, पकाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए कि अब दोस्तों के पास गए, हमें एक कुशन मिल गया बैलेंस ऑफ पेमेंट के हवाले से। एक बात इनसे मैं एग्री बिल्कुल करता हूं डॉक्टर साहब से कि हमें पहले भी एक दिन हमने बात की है कि हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं हमें उन पर कट लगाना पड़ेगा। देखिए एक साल अगर इस मुल्क में मोबाइल फोन्स नहीं आएंगे तो कौन सी क्यामत आ जाएगी? बिल्कुल कोई हाँ। एक साल इस मुल्क में अगर इम्पोर्टेड गाड़ियां नहीं आएंगी तो कौन सी क्यामत आ जाएगी? यानी लग्जरी गाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ, लग्जरी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा क्या हमारे यहाँ? हाँ, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी लोकल जो इंडस्ट्री है उसको भी कंट्रोल करना है। ये नहीं कि अगर जनाब बाहर से गाड़ी आनी बंद होगी तो यहाँ से पता चले प्राइसेस शूट अप, नो, आपको हर देखिए एक पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल लाना पड़ेगा। जब तक वो डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर हालात ठीक नहीं होंगे। तो लिहाजा जरूरी है कि आपको पहले अपना, जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं या इसके ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं, तो यू हैव टू ब्रिंग डाउन योर इम्पोर्ट्स। जब वो आएंगे, अगर एक्सपोर्ट्स आपकी नहीं बढ़ रही तो कम से कम वो जो गैप है वो नैरो तो हो जाएगा, वो तो कम होगा, जब उसकी तरफ नहीं, ये जरूरी है। तो ये काम तो शुरू में खैर हो जाना चाहिए था। अब भी देखें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जनवरी नेक्स्ट मंथ की एक सप्लीमेंट्री
बजट आए तो उसमें जाहिर है कि फिर टैक्सेस आपको लगाने पड़ेंगे। तो ये इसलिए हुकूमत के लिए मुश्किल तो है कि कुछ देखें कड़ा मुश्किल वक्त है और कड़े फैसले करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन, एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिसीजन, लेकिन अगर आप उनको पीसमील में करोगे तो फिर उसका जो इम्पैक्ट है लोगों पे बहुत ज्यादा होता है। आपको एक दफा कर देना चाहिए कि जनाब ये हमने कर दिया, ड्रास्टिक देखिए आपको ड्रास्टिक मेजर्स लेने पड़ेंगे, रेडिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। लेकिन ये नहीं कि आप हर तीन महीने के बाद चार महीने, क्योंकि अब आप देखें अगर जनवरी में सप्लीमेंट्री बजट जिसकी बात हो रही है वो आएगा, असद उमर साहब ने भी इंडिया दिया, उससे पहले रजाक दाऊद साहब ने ये बात कही कि अगर ये जनवरी में आता है तो इसका इम्पैक्ट जाके कब होगा, इसका जो जो गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा, रियासत को, हुकूमत को, वो बाय द एंड ऑफ मई, अप्रैल और मई में जाके कहीं होगा। तो बाय दैट टाइम यू वुड बी रेडी फॉर अनदर नेक्स्ट बजट, वो जो आपका नया बजट होगा आपने मई में देना है, तो उस चूंकि आप एक रवायत हो गई है कि जनाब आप मई में लाएं ताकि डिबेट हो, माजी में तो खैर डिबेट भी नहीं होती थी बजट में, या एक दिन बजट पेश किया चार छह दिनों में जनाब चले, वो चला गया, अपोजिशन जो थी वो कुछ करती नहीं थी, वो सारी उसी में हो जाता था। आप दुनिया में होता क्या बुनियादी तौर पर, आप बजट पे भी देखें बहुत सारे ममालिक में बजट बहुत पहले पेश कर दिया जाता है, तीन तीन चार चार माह उस पर डिबेट होती है, और हमारे यहाँ बजट आता है तो बस फौरन जल्दी जल्दी से इसको निकालो यार, ये फिर इसमें कोई और चीजें लोग समझ ही ना जाए हम करने क्या जा रहे हैं। जी जो हेर फेर किया जाता है वो फिगर फजिंग और वो जगलरी ऑफ वर्ड्स जो इसहाक डार साहब का एक खासा था। अच्छा राना साहब, दिफाई और तरक्याती बजट कैसे दोनों में से किसी, ये बड़ा बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं डॉक्टर साहब से बात करते हुए इसको कह रहे थे इसका कैश 22 कि अगर आप अपना डिफेंस बजट कैन यू अफोर्ड, अपना अपना डिफेंस बजट की एक एक तरफ हमारे ईस्ट पे आप देखें इंडिया बैठा हुआ है और वो अपना डिफेंस बजट जो है हाइक उस पे होता जा रहा है हर साल। अच्छा दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सूरत हाल, फिर हमारी इंटरनल जो सिचुएशन है जैसे वो तो एक है, लेकिन ओवरऑल जो अब हम ये सिक्योरिटी को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर आप देखें, अगर आप इसको वी कैन नॉट अफोर्ड टू कट इट। अच्छा अब क्या है, अब वो यानी IMF का ये एक ऐसी चाल है कि जनाब आपको ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया कि अगर आप डिफेंस बजट आप अपना काम करते, अगर ये यानी वो जो स्ट्रेंथ बिल्कुल कर रहे होंगे इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी है उनकी कि किसी तरीके से पाकिस्तान में एक अनरेस्ट रखा जाए और जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसको डिस्टेबलाइज किया जाए, ये हमेशा होता है कि वो करेंगे तो एक तरफ ना वो मामला, दूसरी तरफ अगर आप डेवलपमेंटल जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं उनको इफ यू कट देम तो उसके बाद लोगों को आप क्या कहेंगे, हुकूमत क्या कहेगी लोगों को, जनाब आप क्या करें, कुछ नेसेसरी एक्सपेंडिचर्स तो हैं डेवलपमेंट को तो करने ही पड़ते हैं। लेकिन अगर ये खबरें दुरुस्त हैं और इसी तरह से होता है तो यकीनन ये काफी सख्त शराइत हैं जिनका सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है। आप देखते हैं कि जो मौशी टीम है इस वक्त वो फिर क्या फैसले करती है। जनवरी में IMF का वफ्द जो है वो पाकिस्तान में आ रहा है जिसमें इस हवाले से मजीद फिर पेशरफ्त होगी। अपने अपने तीसरे टॉपिक की जानी आऊंगी और वो जो इस वक्त मुल्क में सियासी हलचल है, GIT रिपोर्ट के इंकशाफात के बाद जो यकीनन होशरुबा इंकशाफात हैं और यही कहा जा रहा है कि जी पैनामा और GIT पोस्ट जो है वो लूट मार की अहम दस्तावेजात हैं। राणा साहब इन दस्तावेजात के हवाले से आप क्या कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब तो कह रहे हैं कि ये स्टडी केस स्टडी है GIT रिपोर्ट, तो कोई शक नहीं है कि उन्होंने एक और बात भी कही, मुल्क को लूटा कर उन्होंने एक और बात भी कही कि रियासत की नाकामी की वजह ही ये लूट मार हुआ करती है। बिल्कुल सही, आपकी सॉवरेनिटी जो है वो चैलेंज हो जाती है ना कि आज के दौर में आप किसी भी रियासत को अगर कहेंगे ये एक सॉवरन स्टेट है वो क्या है, वो डिपेंडेंट नहीं होती, वो सेल्फ रिलायंस उसमें होता है, सेल्फ रिलायंट होती है कि आप कुछ को लेकर कहीं नहीं जाते। और जब आप एक देखिए जब आपकी इकोनॉमी जो है वो गारंटीड होगी और वो आपकी सॉवरेनिटी जो है वो इंटैक्ट होगी, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, तो आपको दुनिया चैलेंज नहीं, छोटे छोटे ममालिक हैं वो बड़े मजे से जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको कोई मसला ही नहीं है, लेकिन जहां चादर देख के पांव फैला हमारे इर्द गिर्द ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अपने पूरे जो उनका वो वक्त है उसमें एक आध बार या दो बार वो मैक्सिमम IMF के पास गए होंगे, लेकिन हम कितनी दफा जा चुके,
हर पांच साल बाद हमें ये सोचना पड़ता है कि अब क्या करें। फिर वही कशकोल लिया और बेल आउट पैकेज मांग रहे होते हैं जनाब भाई। सर आपने कशकोल की बात की, अभी हम पूरा हमारा टॉपिक ही ये था, आईएमएफ की जो हम बात कर रहे हैं, हम कर्ज की बात कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इन रिपोर्ट से ये समझने में मदद मिली है जो जेआईटी रिपोर्ट है कि रियासतें कैसे मुफलसी और कर्ज की दलदल में उतर कर नाकामी की भेंट चढ़ती हैं। कर्ज की दलदल में ही तो आज हैं हम कि बच्चा पैदा बाद में होता है, पहले वो जब दुनिया में आ रहा होता है तो वो पहले ही कर्ज में दब चुका होता है। तो ये हालात क्यों पैदा हुए ये सोचना है। इस टाइम फॉर सोल सर्चिंग ये हमारे हुक्मरानों को भी सोचना है। और कम अज कम जिसकी तरफ इमरान खान साहब ने कहा कि एक अजीब बात है कि अगर किसी के ऊपर कोई चीज इन्वेस्टिगेशन में आ जाती है तो उसके सपोर्टर भी बहुत सारे आ जाते हैं। बिल्कुल, मैं आपको इसी जानिब ले जाना चाह रही थी कि हमने, जैसे मैंने अपने इब्तदाई में भी कहा था कि ऐसे अनासिर हैं जो इन होशरुबा इंकशाफात के बाद भी, इन रिपोर्ट्स के बाद भी अपने रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं जी कि हम इस जेआईटी को रिजेक्ट करते हैं, हम अदालत के फैसले को रिजेक्ट करते हैं। तो भाई आप एक्सेप्ट किसको करते हैं, पहले मुझे ये बता दीजिए आप, क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि वो जो बेनामी अकाउंट्स हैं वो इस मुल्क में खुलते रहे और कोई पूछने वाला ना हो कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, और ये कोई ना पूछे कि बैरून मुल्क जायदादें कैसे बन जाती हैं, और ये ना कोई पूछे कि जनाब आपने अगर जायदाद बनाई है तो उसकी मनी ट्रेल कहाँ से आती है, वो कैसे आपने पैसा कमाया, आपने कितना इनकम टैक्स दिया, कितना वेल्थ टैक्स दिया, ये आपसे कोई ना पूछे तो फिर हर चीज ठीक है इस मुल्क में। आज तक यही होता रहा कि वही मैं अक्सर जो कहता हूँ कि इस मुल्क में बदकिस्मती ये रही कि एहतसाब के नाम पर सियासत और सियासत के नाम पर एहतसाब और इसके दरमियान में करप्शन होती रही और करप्शन होती रही, यानी नारा लगाते रहे एहतसाब का लेकिन उसके साथ साथ अपना काम भी दिखाते रहे। अब आप देखिए कि 29 जो बेनामी अकाउंट सिंध में आए और ये पनामा वाला जो मामला सामने आया और फिर ये जो एवन फील्ड का मामला है, ये अल अजीजिया का जो मामला है, ये कैसे हो गया? एक आम आदमी, चले आम आदमी से मुराद एक मतवसत तबके का इंसान जो कुछ बिजनेस कर रहा है, क्या उसका बिजनेस जो है इसी तरह मल्टीप्लाई होता है? कोई मल्टीप्लायर इफेक्ट उसको कहते हैं इकोनॉमिक्स में, कि वो मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है एक आम आदमी की जिंदगी में तो ऐसा नहीं होता। ये हमारे हुक्मरानों की जो कारोबार है वो एक्स्ट्रा एक्सेलरेट करते हैं कि वो मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है तो वो पता है ना आपको इतना इतने खौफनाक तरीके से आता है कि वो होशरुबाई है। होशरुबाई है कि कैसे कैसे होता रहा। नहीं, ये तो बेनामी अकाउंट जिनकी हम बात कर रहे हैं ना, मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि जब आपसे अच्छा फिर एक बात होती है कि झूठ बोलना, यानी झूठ इतनी ढिठाई से बोलो कि जो है सच वो झूठ लगने लग जाए, कि जो शख्स सच बोल रहा हो पता चले कि ये झूठा है। लेकिन अच्छा फिर उसके बाद यानी एक चीज को आप ओन करते हैं, यानी रियासत के अंदर लोगों की सबसे बड़ा जो इत्माद का जरिया होता है वो हुक्मरान होता है, कि आपका जो हाकिम है जो रूलर है वो अपराइट होना चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कहता परफेक्शन की बात कि जी कि हमारा जो रूरल है कोई पैरागॉन ऑफ परफेक्शन हो, एक इंसान होता है, लेकिन एक ऐसा इदारा जिसकी जिसके जरिए आप मुल्क के वजीर आजम बनते हैं वो क्या है, वो पार्लियामेंट है, वो कौमी असेंबली है, और वहां बैठ के अगर आप झूठ बोलेंगे तो फिर इससे ज्यादा बदकिस्मती, इससे ज्यादा यानी इंसल्ट टू डेमोक्रेसी एंड दिस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन क्या हो सकती है? फिर आप किस मुंह से कहें कि वोट को इज्जत दें? मैं वोट को इज्जत तो बात की बात है, आप पार्लियामेंट को इज्जत नहीं देते तो लोगों से कहते हैं कि हमें आप करें। अब आप देखिए फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि इन्होंने अपनी लूटमार का नाम जमहूरियत रखा हुआ है क्योंकि इनकी पकड़। मेरे बहुत अपने कोलीग्स के साथ और दोस्तों के साथ आर्गुमेंट रहा, यहाँ भी अपने प्रोग्राम्स में जब मैं खबर के साथ साथ करता था तो मैं उनको कहता था कि मैं इस डेमोक्रेसी को नहीं मानता, और मैं आज भी यही कहता हूँ कि जिसमें लूट खसूट है, जिसमें अकाउंटेबिलिटी, इस ऐसी डेमोक्रेसी को मैं नहीं मानता, इसलिए ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये जमहूरियत के नाम पर लूटमार है और उसको कोई पूछता नहीं, यानी ये एक दूसरे का, यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर बैक। डेमोक्रेसी ऐसी डेमोक्रेसी में देखिए स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके अंदर आप मॉरल्स भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो क्या है जी, देयर इज नो मॉरल इन पॉलिटिक्स, है ही नहीं। यानी यहां तक कह दिया जाए कि अगर मेरे असासे मेरी आमदन से ज्यादा है तो आपको क्या, ये आपका हुक्मरान अगर कहे, और दूसरा हुक्मरान जिसने पहले हुकूमत की हो वो ये कहे कि जनाब
मैं नायब की इतनी जरूरत कि वो ये करे, मैं निपट लूंगा उनके साथ। और ये मेरा नहीं, मेरा राइट है, मैं बेनामी अकाउंट रखूं या ना रखूं और मैं उनको डिपेंड करूंगा। आप क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? मैं नायब का बयान और फिर उन्होंने कहा कि किसी की धमकी से मरूब नहीं होंगे। मैं तो समझता हूँ, देखिए अगर मरूब हो गए तो फिर ये देखिए, हम बात करते थे ना पहले जब दहशतगर्दी के हवाले से कि वो पाकिस्तान की बका की जंग थी, जो हमने ज़र्बे और रद्दुल फसाद की बात की। अब बात यह है कि ये हमारी इकॉनमी का मामला जो है ना, इसको ठीक करना है तो ये एहतसाब भी हमारी बका का मसला है। बिल्कुल, अगर आप इसको अपनी बका का मसला नहीं बनाएंगे तो पाकिस्तान में लूट खसूट होगी, इसी तरह रोना धोना होता रहेगा, जमहूरियत खतरे में पड़ती रहेगी। अच्छा, जमहूरियत इनकी वजह से खतरे में पड़ती है कि जनाब अगर मैं हूँ तो जमहूरियत है, अगर मैं नहीं हूँ नहीं तो फिर कोई भी नहीं। और बिल्कुल आपने बचा फरमाया कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम को सबसे बड़ा खतरा बदउनवानी से है, इसलिए बदउनवानी का खात्मा बहुत जरूरी है। वक्त खत्म हो चुका है, वक्त हो गया है मैसेज ऑफ द डे का, तो आज का पैगाम आप क्या दे रहे हैं इसमें नाज़रीन के लिए? ये है कि अभी पिछले महीने प्राइम मिनिस्टर ने पोलियो के खिलाफ जो मुहिम है वैक्सीनेशन के हवाले से उसका आगाज किया था। कुछ अखबारात में एडिटोरियल्स भी मैंने देखे और कुछ खबरें भी ऐसी आई कि जिसमें रेजिस्टेंस नजर आ रही थी कि सोशल मीडिया पे खास तौर पे हरिपुर में एक वाकया हुआ है कि एक बच्ची को पोलियो वैक्सीन दी गई तो उसकी डेथ हो गई 2 दिसंबर को गालबा, लेकिन उसकी कॉज ऑफ डेथ जो थी वो निमोनिया था, लेकिन सोशल मीडिया पे वो प्रोपेगेंडा ऐसा हुआ कि एज इफ इट वाज बिकॉज ऑफ दैट सब स्टैंडर्ड और जो वो थी पोलियो वैक्सीन। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ ये हमें देखना है कि पाकिस्तान और एक आधा ऐसा मुल्क है जहाँ पे अभी कुछ जो खतरा मौजूद है पोलियो का, और ये क्योरेबल नहीं है, इसको सिर्फ प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके लिए वैक्सीनेशन की जरूरत है और भी बहुत सारे जो एहतियात की जरूरत होती है। तो ये है, हमें इसको अपना फर्ज बनाना है एक सेहतमंद मुआशरे के लिए, हमें इसका साथ देना है, पोलियो वैक्सीन की जो कैंपेन है बच्चों को देनी है ताकि पाकिस्तान में, मुझे याद है कि 2 साल कबल जब मैं पाकिस्तान, उस वक्त बहुत मसला था पाकिस्तान में, शुरू हो गया 3 साल पहले, कि पाकिस्तान से जाने से पहले हर शख्स को जो ट्रैवल करना है बाहर तो आपको पोलियो के कतरे लेने होते हैं, यानी कि ये हालात पैदा हो गए कि हमें एक ट्रैवल एडवाइजरी हमारे बारे में जारी हो गई। तो हमें बहसियत पाकिस्तानी ये देखना है कि इसको हमें प्रोपोगेट भी करवाना है, इसको इसकी कंपेन भी करनी है और लोगों को कन्विंस करना है कि ये जो वैक्सीनेशन है इससे घबराए ना और इसको जरूर इसका साथ दें, और अगर कोई कतरे पिलाने वाले आते हैं तो बच्चों को जरूर कतरे पिलाएं। जी, पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक जिनमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान हैं उनमें अभी भी पोलियो बाकी है। माजी करीब में इस हवाले से कुछ खुशगवार और बेहतर इकदाम किए गए पोलियो की रोकथाम के लिए, और मजीद इकदाम करने की भी अभी जरूरत है। इस पैगाम के साथ ही साइमा मिन्हास और राना कैसर को पूरी न्यूज नाइट की टीम के हमरा दीजिए इजाजत। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, आपसे हमारी मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।